महंगाई पर रोक लगाओ। आपको देखा पड़ेगा सभी को इस प्रकार का रोजगार देना होगा। एक लाख बड़े पदों पर चंद भर्ती करनी होगी, करनी होगी। एक खिलाफ जिंदाबाद, बंद करो आवश्यक वस्तुओं को। खिलाफ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद करना होगा, करना होगा। एक खिलाफ जिंदाबाद होगी। कैसे गुजर रहे सभी सम्मानी नागरिक बंधु, आज यहाँ जिला स्तरीय प्रदर्शन किया जा रहा है जिसमें ग्वालियर शहर के विभिन्न क्षेत्रों से आम महिलाएं नौजवान शामिल हुए हैं। ये जो इनकी मांग है, और जैसा कि सभी हम समझ रहे हैं, फील कर रहे हैं कि महंगाई लगातार बढ़ रही है। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ पर जो है चीज़ों के दाम ना बढ़े हों। खाने पीने की वस्तुओं से लेकर दूध, सब्जी, फल, अनाज, दाल, चावल, सभी कुछ बहुत तेज़ी से महंगा हो रहा है। दूसरी तरफ जो सार्वजनिक सेवाएं थी, शिक्षा, इलाज, बिजली, ये इन सब में भी लगातार इनके रेट्स में बढ़ोतरी होने से इनके बिल भी, इनके खर्चे भी लगातार बढ़ रहे हैं। और आम व्यक्ति की जो आमदनी है उसमें लगातार कमी आ रही है, जो कि उनके लिए जीवन को मुश्किल बना रही है। इस स्थिति में एक लंबा समय हो गया है और सरकार इसमें कोई ध्यान नहीं दे रही है, और सरकार केवल बहाने बना रही है। कभी कहती है प्राकृतिक आपदा के कारण ऐसा हो रहा है, कभी बोलती है कि महंगाई उसके बस में नहीं है, तो कभी आबादी का बहाना लेती है, लेकिन जो वास्तविक स्थिति है उसको सामने नहीं लाती है कि सरकार खुद ऐसी नीतियाँ ला रही है जो कि चंद मुट्ठी भर पूंजीपतियों के फायदे में सारी नीतियों को तब्दील किया गया है। अब बिजली, शिक्षा, इलाज के साथ साथ राशन तक को कारपोरेट्स के हवाले किया जा रहा है। गेहूं और चावल का बम्पर प्रोडक्शन होने के बावजूद गेहूं और चावल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। चावल 32% महंगा हुआ है, गेहूं 36% महंगा हुआ है। तो ये हर चीज़, जो दूध है 60 रुपये लीटर मिल रहा है, मतलब आम आदमी क्या खाएगा, क्या करेगा। जबकि खुद इनके ही सर्वे जो बता रहे हैं कि हमारे देश के 5% लोग हैं जिनके पास देश की 60% संपदा है। अंबानी जैसे उद्योगपति 2.25 करोड़ रुपये रोज की आमदनी उनकी है, 2.25 करोड़, और आम आदमी की आमदनी है 146 रुपये, 83 रुपये। तो कैसे वो सर्वाइव करेगा? तो किस तरीके से सरकार का जो इग्नोरेंस है सबके लिए, जबकि वो अपनी तारीफ़ों के कसीदे पढ़ते रहते हैं। जो लोग सत्तासीन हैं, चाहे वो हमारी राज्य की शिवराज सिंह चौहान की सरकार हो या वो केंद्र की मोदी जी की सरकार हो, सभी जगह पर जो स्थिति है कि 2000 देकर लाडली बहना को वो इतने गुण गा रहे हैं, लेकिन जो यस बैंक के सुभाष चंद्रा को उनकी ही सरकार ने 5000 करोड़ रुपया जो माफ़ कर दिया, उसका कहीं नामो निशान नहीं है अपने उनकी बातों में, स्पीच में, कि हम उद्योगपतियों को जो इस तरीके से पूरा खजाना खाली कर रहे हैं। और जब आम जनता की बात आती है तो कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। जो मध्य प्रदेश सरकार है पूरी कर्ज में डूबी हुई है, केंद्र सरकार कर्ज में डूबी हुई है। तो आखिर ये जो है आम जनता कब तक सहेगी, इसी सवाल को वो उठाने के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं और अपनी बात रख रहे हैं। सरकार के पास ज्ञापन देंगे, मांग करेंगे कमिश्नर कार्यालय में कि सरकार जो है आम जनता की स्थिति को समझते हुए इन सब पर कार्रवाई करे और अपनी नीतियों में बदलाव करे।